नमस्कार दोस्तों, खबरलहरिया फेसबुक लाइव में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हरे भरे खेतों में खड़े हैं और यहाँ पर जो सारा काम निपटा कर महिलाएं घर से खेत में कई घंटा समय देती हैं और वो महिला से हम जानते हैं और ये खेत में क्या चीज कर रही हैं और ये किस लिए उखाड़ रही हैं और ये जानवरों के लिए है या फिर बकरियन के लिए है। तो चलिए हम यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं जो इस समय खेत में बहुत सुंदरता देखने को मिल रही है। हर खेत में हरा भरा देखने को मिल रहा है तो बहुत सुंदर भी लगता है। तो चलिए हम यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बौड़ी है कर रहे हैं बहनी, काहे के लिए? बकरियों के लिए। हाँ, बकरियों के लिए। और कितने समय घर से आते हैं? हम तो सवेरे से हैं बहन जी यहाँ। ये आपका खेत है? अच्छा, हाँ, हमारा खेत है। हम कितना उखाड़ लेते हैं? अरे थोड़ा बहुत हरियार के लिए उखाड़ लिया, बकरियों खा लिया, भूसा उसा सान के खिला दिया इसी में। अच्छा, मैं ये क्या बोया है खेत में? मासूर लगी हुई है। मसूर। और ये मसूर में जो बौड़ी फंस जाती है तो फिर क्या दिक्कत आती है? दाना नहीं होता है, पतला हो जाता है और फसल नहीं हो पाती अच्छा, है। तो ये जी आपे का खेत है पूरा जहाँ पर मसूर दिखा रही है? हाँ, ये हमारा ही है, आप उखराते नहीं है किसी से? कोई उखाड़ता नहीं है, सब अपने अपने खेत में लगा हुआ है, तो कहाँ से यहाँ निरौनी होगी। बहुत सारी बावड़ी है, हाँ, घर का सारा काम निपटा के आना पड़ता है। सारा ही काम तो क्या है, करते हैं सुबह से घर में? खेती किसानी कर रहे हैं काम, और क्या करना है, घर में क्या काम करते कुछ हैं? काम हिलना नहीं है। बकरी चराना, बावड़ी हाँ, उखाड़ना। हार में क्या नाम बताया? हरे मेरा नाम है हरे राम। राम। तो कै बीघे में मसूर बाए हैं? ये 2.5-3 बीघा में। हाँ, निजी है निजी है। तो आप देख सकते हैं ये मसूर का खेत है और इस समय मसूर बहुत अच्छी है। अभी तो अच्छी दिखाई दे रही है और यहाँ पर बौड़ी बहुत है, लोग अपने खेतों की बौड़ी में निराई सर, कर रहे हैं। बौड़ी में सारा खराब हो जाता है, एक भी दाना नहीं हो पाता है। तो ऐसे उखरा लीजिए। और यहाँ पर महिलाएं हैं जो ये मटर बाया हुआ है और यहाँ पर मटरों में महिलाएं हरियार कर रही हैं जानवरों के लिए। जानते तो ये काहे के लिए उखाड़ा है? चौहान के लिए उखा रहा जानवरों के लिए। ये जी। आपका खेत है और किसी का? तुम्हारा? कितने समय घर से आती हैं? अब सामने का वो तो नहीं चला, कई बजे भाग गई थी। घर का क्या क्या काम करना पड़ता है? सब कुछ कर रही थी, क्या बताइए तो? ये है मटर का खेत है जो यहाँ पर मटर बोआ है और हर खेत में हरा भरा दिखाई दे रहा है। इस समय ये नज़ारा बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर भी लगता है। और यहाँ महिलाएं हैं जो सुबह से घर का काम ही निपटा कर समय देती हैं खेत के लिए। और ये हरियार है ये अपने जानवरों के लिए ले जाएंगी।
मतलब रोज आना पड़ता है आपको? हाँ दीदी, हम रोज आते हैं। आपका खेत है? हाँ, हमारी देवरानी का है। अच्छा, तो घर में क्या क्या काम निपटाना पड़ता है फिर खेत के लिए? फुर्सत खूब की चूल्हा बर्तन गोबर फेंकना पड़ता है, बकरी बांधना पड़ता है, गाय भैंस बांधना पड़ता है, उसके सानी लगाना पड़ता है, हर चीज काम करना पड़ता है, खाना पकाना पड़ता है। तो कई बजे फुर्सत पाते हैं? हम पर फुर्सत होते हैं 12-1 बजे। अब फिर यहाँ आ जाती हैं? यहाँ आ गए 1 बजे। तो आप यहाँ कई बजे लगे समय देती हैं? अब तो कई बज रहा है, 4 बज गए। अब अपने घर अब ये ले जाएंगे तो फिर वहाँ काम यही करना पड़ेगा, कतरेंगे, फिर सानी करेंगे, जानवरों की डालेंगे, फिर दोहनी करेंगे, फिर खाना पकाएंगे, फिर खाएंगे, हो जाएंगे। आप कौन गांव से आते हैं? दतरौली। दतरौली ये दतरौली? हाँ, जरिए दतरौली। और मजे का दूर है, 3 किलोमीटर पड़ता है। आप ये बोझा लेकर जाएंगे मुड़े में? क्या करें फिर, अब कोई लेने आएगा? कोई नहीं आएगा, मजे का दूर है। आप इतना वजन भी लेकर चलेंगे? और यहाँ तो बहुत सारी बौड़ी होती है, वहाँ लोग खुरा रहे थे, वहाँ तो नजदीक पड़ता है। नजदीक तो पड़ता है, तो खेत भी है ना, तो अपना खेत तो निराना पड़ेगा ना। दाना कैसे होगा? ये मटर है अभी, अच्छा है मटर है, अभी तो कोई नुकसान नहीं है ना? अभी कोई नुकसान नहीं। बन गए हरियार। अब ये वजन लेकर महिलाएं अपने घर जाएंगे, और यहाँ से 3 किलोमीटर, जबकि इनका गांव है जरिया दतरौली, बता रही हैं। घर में सुबह से लेकर सारा काम ही करना पड़ता है, और महिलाएं के लिए समय नहीं मिलता है कि कुछ महिलाएं आराम भी करें। चूल्हा चौका लिपना पोतना, घर का सारा काम ही करना पड़ता है। ये मटर है, हरा भरा है, जो ये महिलाएं हैं 3 किलोमीटर दूर से आई हैं, और ये इतनी बड़ी बड़ी मटरी मोटरी बंधे हुए हैं, और ये सारा हरियार की मटरी है, और इनको अपने सिर में लेकर जाना पड़ेगा। और ये भी कह रहे हैं कि अब इन लोगों को कोई लेने भी नहीं आएंगे। और आप जरिए दतरौली से आई हैं, आप थोड़ा नाम बता सकते हैं? मतलब आप नाम बता सकते हैं? क्या करती हूँ नाम पूछ? जेल में डालना चाहती हूँ। अरे नहीं, जेल में कौन डालेगा। चलिए ठीक है, वो महिलाएं हैं जो इस समय नाम बताने से टकरा रही हैं। और ये यहाँ मशहूर भाई है, और यहाँ मटरा बाबा है। अगर आप देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं यहाँ से, और कितना दूर तक देखेंगे, बहुत हरा भरा सुंदर इस समय खेत दिखाते, हर खेत में सजावट है, और हर खेत में महिलाएं अपने अपने खेत में जानवरों के लिए हरियार कर रही हैं। पर महिलाओं जब सुबह उठती हैं, इनके सारे काम यही होते हैं कि सुबह उठना है, चूल्हा बर्तन झाड़ना बटोरना, पानी लाना और नहाना धोना, जानवरों को पियाना, उनको भी धोना, इसके बाद खाना बनाना। जब इनको 1 बज जाता है, खाते पीते बनाते होते, इसके बाद ही महिलाएं फुर्सत पाती हैं। तो दोस्तों, देखा होगा यहाँ का नज़ारा जो हमने खेत का दिखाया है, और इसमें खेत में कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे खबर लरिया फेसबुक लाइव में। मैं अपना लाइव यहीं से समाप्त करूँ।